माना कि प्रेम जरूरी है, मैंने माना कि प्रेम बहुत जरूरी है, पर मां बाप से जरूरी नहीं है। मां बाप, मां बाप। और यहां हम निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो, असली हीरो जो टीवियों पर आ रहे हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे हुए तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं छतरपुर। और छतरपुर में जानते हैं आप क्या है, बागेश्वर धाम सरकार। तो बहुत दिनों से हमारा इंतजार था कि हम बागेश्वर धाम सरकार जाएं, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है, हम जाने बागेश्वर धाम सरकार। तो चलो चलते हैं। और बांदा से ट्रेन है वो 3 घंटे में छोड़ देती है, तो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं छतरपुर, और हमें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जो ट्रेन थी वो लेट थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। अब आ गए हम छतरपुर, और यहाँ से 18-20 किलोमीटर है यहाँ से बागेश्वर धाम सरकार। तो चलते हैं थोड़ी देर में, और ऑटो पकड़ते हैं। तो देखिए यहाँ का व्यू, सामने स्टेशन है, काफ़ी अच्छा स्टेशन बना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम मंदिर, और बहुत दिनों से हमारा प्लान था यहाँ आने का, और मेरा सपना भी था यहाँ आने का। तो बहुत दिन बाद पूरा हो रहा है, हम लोगों प्रसाद ले लिया है। तो अब चलते हैं मंदिर, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, आपको दिखाता हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पूरे देश भर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं हजारों की मात्रा में भीड़ है। तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर में। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ के बारे में, ऊंचे नीचे वो उबड़ खाबड़ गड्ढों से भरे रास्ते पर 2 किलोमीटर चलने के बाद शुरू होता है गड़ा गाँव, जहाँ इन दिनों श्रद्धालुओं और दुखियारों का डेरा है। लेकिन गड़ा गाँव पर हम बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे बागेश्वर धाम की। हजार लोगों की आबादी वाले गड़ा गाँव के छोर पर एक छोटी सी पहाड़ी है, और यहीं पर स्थित है बागेश्वर धाम। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको 2 छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे, इनमें से है एक भगवान बागेश्वर महाराज यानी शंकर जी की छोटी सी मड़िया। ये इतनी छोटी है कि शिवलिंग को स्पर्श करना तो झुककर एक ही आदमी मुश्किल हो जाए। यहाँ के सेवादार धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि चंदेलकालीन प्राचीन मंदिर है, पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया है कि चूँकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बागेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मड़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इन्हीं बालाजी के उपासक हैं, और कहते हैं कि इनको इन्हीं की सिद्धि मिली है, और इन्हीं के दम पर वह लोगों को भूत व भविष्य बताते हैं। ज़्यादा भीड़ है, जैसा वीडियो में बताया था उसी तरह।
से ज़्यादा भीड़ है। चलते हैं मंदिर के अंदर। राम 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 राम। दोस्तों यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है, हमें मंदिर तक पहुँचने में लगभग 3 घंटा लग गया। बालाजी के मंदिर से सटकर ही लगा एक बड़ा पेड़ जिससे चिपटकर लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि ये प्रेत बाधा से ग्रसित लोग हैं जो यहाँ मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में पॉजिटिव एनर्जी है और इसे छूकर या चिपटकर इन लोगों का दिमाग पर छाई नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यहीं हमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनको जंजीर से बांधा गया था। इन दो छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर नीचे उतरते हैं तो वहीं पर बनाए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्थान जहाँ पर वह रहते हैं, जनता से मिलते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे ये 2 मंजिल इमारत गांव की पंचायत का सामुदायिक भवन है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों की सहूलियत के लिए ठिकाना बना लिया है। इस परिसर में एक तरह से लोग आते हैं और दूसरी तरह से दर्शन कर निकलते रहते हैं। दोस्तों महाराज जी को प्रसाद चढ़ा दिया है और अब करते परिक्रमा। तो फाइनली दोस्तों बालाजी महाराज जी के दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी वाइब्स है यहाँ की। यहाँ फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस मंदिर में हनुमान जी बालाजी रूप विराजमान है और इसका काफ़ी पुराना इतिहास है। यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसी सामान्यता है कि इस मंदिर में आकर मनोकामना पूर्ति के लिए जब भी कोई श्रद्धालु अर्जी लगाता है वह पूरी होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अलग अलग समस्याओं की मुक्ति पाने के लिए 3 अलग अलग रंग के कपड़ों में बांधकर नारियल चढ़ाया जाता है।
काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ के जो मंदिर हैं तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हैं, यहाँ की वाइब्स ही नेक्स्ट लेवल है। तो अब चलते हैं घर। छतरपुर स्टेशन और अब जा रहे हैं बांदा। अभी समय हो रहा है 9 और हमारे 9:30 बजे की ट्रेन है, तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, बांदा पहुँचने में 1:30 बज जाएगा। तो मिलते हैं बांदा स्टेशन पर। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं बांदा स्टेशन और अब चलते हैं रूम पर। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।